किसी ने बड़ी कमाल की बात लिखी है कि दुनिया को रोशन करने की खातिर सूरज को सदियों से अपने को रोज़ जलाना पड़ता है। जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है हिंदी साहित्य इतिहास की जो संस्कृत विभाग का फर्स्ट ग्रेड का पेपर होना है उसके रिवीजन की सीरीज़ के अंदर। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। निवेदन यही है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें ताकि और ज़्यादा साथी जुड़ेंगे तो जितना ज़्यादा लाभ ले पाएंगे। और करंट की सीरीज 2019 से अब तक की जल्द ही वो सीरीज है जो शुरू कर दी जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं, ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन की। सबसे पहले उन्होंने नाम दिया वीरगाथा काल, जो कि बहुत ही विवादास्पद भी रहा। आपने पहले भी पढ़ रखे होंगे लेकिन आज दिमाग में ये बात बिठा लीजिए कि आपको ये याद करनी ही है। चारों वीरगाथा काल, जिसे आदिकाल भी कहते हैं, संवत 1050 से 1375 तक वीरगाथा काल की समय सीमा इन्होंने निर्धारित की। पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल, संवत 1375 से 1700। तीसरा पड़ाव था इनका उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल, 1700 से 1900 संवत तक। और चतुर्थ गद्यकाल, जिसे आधुनिक काल भी कहते हैं, 1900 से अब तक। तो चार भागों में इन्होंने विभाजन किया था साहित्य इतिहास को, वीरगाथा काल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और गद्य काल। ये था शुक्ल जी का। शुक्ल के बाद में जो ज़्यादातर पूछा जाता है रामकुमार वर्मा, उनकी ओर बढ़ते, इनमें शुरुआत में थोड़ा सा बदलाव है। संधिकाल नाम दिए इन्होंने शुरुआत में, संवत 750 से 1000। चारण काल 1000 से 1375 तक। फिर वही ट्रैक आ गया, भक्तिकाल 1375 से 1700, रीतिकाल 1700 से 1900 और आधुनिक काल है जो 1900 से अब तक। तो शुरुआत में इसमें थोड़ा सा बदलाव है। तो संधिकाल, चरणकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, इन्होंने शुरुआत की 750 विक्रम संवत से। ये रामकुमार वर्मा का काल विभाजन हो गया। आगे देखते हैं, गणपति चंद्र गुप्त का भी पूछा जाता है। तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के काल विभाजन की बात करें तो इनकी पुस्तक थी साहित्य इतिहास से संबंधित हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, उसके अंदर इन्होंने काल विभाजन जो किया है, इन्होंने नाम दिया शुरुआत को प्रारंभिक काल। इसको 1184 से 1350 ईस्वी माना है, वहाँ संवत था, यहाँ पर इन्होंने ईस्वी माना है। प्रारंभिक काल 1184 से 1350 ईस्वी, पूर्व मध्यकाल 1350 से 1600 ईस्वी, उत्तर मध्यकाल 1600 से 1857 और आधुनिक काल 1857 से अब तक। ये था गणपति चंद्र गुप्त का, जो इन्होंने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास पुस्तक में विभाजन किया है। आगे बढ़ते हैं, जो नगेंद्र का भी पूछा जाता है, डॉक्टर नगेंद्र, इन्होंने बिल्कुल सीधा सा किया है। आदिकाल नाम दिया 7वीं शताब्दी के मध्य से 14वीं शताब्दी के मध्य तक। दूसरा भक्तिकाल, जो 14वीं शताब्दी के मध्य से 17वीं शताब्दी के मध्य। रीतिकाल 17वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी और आधुनिक काल 19वीं शताब्दी के मध्य से अब तक। फिर उन्होंने आधुनिक काल को और आगे विभाजित किया था, लेकिन मुख्य रूप से ये चार तो आपको 7वीं शताब्दी के मध्य से शुरू करना है, 14वीं, 14वीं के मध्य, 17वीं, 17वीं के मध्य से 19वीं और 19वीं के मध्य से अब तक। बाद के आगे की बात करें तो इन्होंने आधुनिक काल जो है इसको पुनर्जागरण काल, जिसे भारतेंदु काल भी कहते हैं, 1857 से 1900 ईस्वी तक विभाजित किया। जागरण सुधार काल यानी कि द्विवेदी काल, छायावाद काल, छायावादोत्तर काल, छायावादोत्तर काल को भी फिर हम प्रगति प्रयोग काल में और नवलेखन काल में विभाजित कर सकते हैं। इस प्रकार किया था डॉक्टर नागेंद्र ने। तो शुक्ल का पढ़ा हमने, रामकुमार वर्मा का पढ़ा, गणपति चंद्र गुप्त का पढ़ा और डॉक्टर नागेंद्र का। इन चारों को तो आपको कंठस्थ करना ही करना है। अब पांचवा जो प्रश्न है इसका उत्तर आप दे दीजिएगा, बिल्कुल आसान सा है। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास, समझना प्रश्न को, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किस भाषा में लिखा गया था? बहुत सरल है। इस प्रकार 10वीं से 14वीं सदी काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये कथन है। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम
किसने उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहकर पुकारा था या कहा था? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने ही उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा था। अगला प्रश्न है, हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट किसने कहा? हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट किसने किया? तो डॉक्टर भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट कहा था। आपने इतिहास पढ़ रखा होगा, लेकिन इन प्रश्नों को आप पढ़ोगे जब भी ये वीडियो देखोगे, दिमाग में ये बात निश्चित तय करके रखना कि ये प्रश्न हमें बिल्कुल याद करने ही हैं। अगर ये सोच के आप इनको सुनोगे पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं का अपने इतिहास में विवेचन करने वाले एवं उसे हिंदी साहित्य के अंतर्गत स्थान देने वाले विद्वान है। तो ये विद्वान है जो हिंदी साहित्य के अंतर्गत उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं को विवेचन करते हैं, उनको शामिल करते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा, राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब जो विकल्प वाले प्रश्न आएंगे परीक्षा में, तो पूछ सकता है कि उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं का अपने इतिहास विवेचन करने वाले एवं हिंदी साहित्य के अंतर्गत स्थान देने वाले में से कौन विद्वान नहीं है? तो इनका तीन का नाम दे दिया, एक चौथा जो नहीं है उसका दे दिया किसी और का, तो वहां पर वो उत्तर आपका सही होगा। तो इस प्रकार से प्रश्न बन सकते, तो हर एक प्रश्न महत्वपूर्ण है। उत्तर अपभ्रंश से तात्पर्य क्या है? तो आरंभिक हिंदी को ही उत्तर अपभ्रंश कहा जाता है। तो इस तरीके से भी प्रश्न आ सकता है, उत्तर अपभ्रंश से क्या तात्पर्य है, चार विकल्प दे दिए, तो ये भी आप ध्यान में रखें। अब कुछ जो प्रश्न है पिछली कक्षा में हमने देख लिए थे, फटाफट उनको भी देख लेते, तीन चार प्रश्नों के रूप में बना दिए। शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो पुष्य या पूर्ण को हिंदी का प्रथम कवि माना शिव सिंह सेंगर ने। बात करेंगे राहुल सांकृत्याय ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो सरहपा या सरहपात को प्रथम कवि माना राहुल सांकृत्याय ने। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त की बात करें कि इन्होंने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना? तो इन्होंने शालीभद्र सूर्य को माना था, गणपति चंद्र गुप्त ने। डॉक्टर रामकुमार वर्मा की हम बात करें कि इन्होंने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो इन्होंने माना था स्वयंभू को। अगर हम बात करें कि सर्वमत क्या है, सर्वमत से हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो सरहपाद या सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है, सर्वमत यह है। आगे बढ़ते हैं, हिंदी काव्य धारा में सरहपा की कुछ रचनाओं का संग्रह किसने किया था? तो राहुल सांकृत्याय ने सरहपा की रचनाओं का संकलन किया था हिंदी काव्य धारा के अंदर। आगे बढ़ते हैं, किसी भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्मावलंबी कवि की प्रथम रचना कौन सी है? तो अब्दुल रहमान या अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक रचना है। अगला प्रश्न, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना? तो द्विवेदी जी ने, हजारी प्रसाद जी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना था। अगला प्रश्न है, सामान्य रूप से हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना जाता है, कहां से माना जाता है? तो सिद्धों की रचनाओं से हिंदी साहित्य का आरंभ माना जाता है सामान्य रूप से। आगे हम बात करें कि एक ग्रंथ के रूप में हिंदी की प्रथम साहित्यिक रचना कौन सी है? ग्रंथ के रूप में, तो ग्रंथ के रूप में हम बात करें तो श्रावकाचार है, देवसेन कृत हिंदी की प्रथम साहित्यिक रचना। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता, तो आप ध्यान रखिएगा। शुक्ल जी ने पुरानी हिंदी को क्या कहा है? तो शुक्ल जी ने पुरानी हिंदी को प्राकृताभास हिंदी या यूं कहें अपभ्रंश कहा है, ध्यान रखिएगा इसको भी। अगला प्रश्न, आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आविर्भाव किससे माना है? तो प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना है। आगे बढ़ते हैं, उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा को पद्य समझा जाता था, ये कथन किसका है? ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आगे बढ़ते हैं, हम जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, मेरी कोशिश है कि उन प्रश्नों को पुटअप किया जाए, ताकि आपके डिटेल से जैसे भी जहाँ पे भी इतिहास पढ़ा हुआ है आपको
आइडिया हो जाए एक कि हाँ ऐसे ऐसे प्रश्न बनते हैं, ऐसे प्रश्न आएंगे। किस इतिहासकार ने अपने इतिहास में अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग मानकर उसे पूर्व पीठिका के रूप में प्रस्तुत किया है? तो आचार्य शुक्ल ने ही अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग माना और उसे पूर्व पीठिका के रूप में प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा, आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में किन किन ग्रंथों से सामग्री ग्रहण की या ली? तो इनका आ जाए किन से ली, तो इनसे इनका आ जाए और उपयोग सभी आ जाए तब ये होगा, किन से नहीं ली तो एक विकल्प अलग आ जाए, तो आप ध्यान में रखिएगा। मिश्र बंधु विनोद से सामग्री ली इन्होंने, श्याम सुंदर कृत हिंदी गोविंद रत्नमाला से ली, राम नरेश त्रिपाठी कृत कविता कौमुदी से और वियोगी हरिकृत ब्रज माधुरी सार से। इन ग्रंथों के माध्यम से, इन कृतियों के माध्यम से इन्होंने अपने इतिहास लेखन की सामग्री जो ग्रहण की थी। तो शुक्रिया दोस्तों, ये थे कुछ विशेष प्रश्न, आगे और आदिकाल के प्रश्न बनेंगे तो वीडियो को लाइक कर दें आप और उन सभी तमाम मित्रों को शेयर करना है, फेसबुक ग्रुप हो, आपके व्हाट्सएप ग्रुप हो, जितने भी ग्रुप हों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा की मदद हो सके। और मोटिवेशन क्लास के लिए आदि की आवाज़ जो चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लें।